पूर्व आईएएस एके शर्मा लड़ेंगे यूपी में विधान परिषद का चुनाव। बड़ी जानकारी मिल रही है, बीजेपी से विधान परिषद प्रत्याशी होंगे एके शर्मा। कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व आईएएस एके शर्मा। स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा भी होंगे प्रत्याशी और लक्ष्मण आचार्य भी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल ही एके शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की और उनकी तरफ से कहा गया था कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। और अब जानकारी ये मिल रही है कि यूपी में विधान परिषद का वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से विधान परिषद प्रत्याशी होंगे एके शर्मा। कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व आईएएस एके शर्मा। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा भी होंगे प्रत्याशी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर जुड़ गए हैं। पवन, पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अब नामों का ऐलान भी हो चुका है कि ये चार प्रत्याशी होंगे जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही दिव्या, क्योंकि तीन ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी दिनेश शर्मा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं लक्ष्मण आचार्य बनारस क्षेत्र से आते हैं, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। एक नया नाम जो चार लोगों की लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक नया नाम जिसकी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि उनको एमएलसी का प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसके बाद सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी एके शर्मा जी, उनका नाम घोषित कर दिया गया है। यानी चार लोगों की जो लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें उनका नाम शामिल है। अभी 6 या 7 यानी 10 प्रत्याशी घोषित करती है भारतीय जनता पार्टी तो 6 लोगों का, और 11 घोषित करती है तो 7 लोगों का नाम अभी बाकी है। ये माना जा रहा है कि देर शाम तक या कल तक इन सभी नामों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन की लास्ट डेट भी आ रही है। लिहाजा आज चूंकि शुभ दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लगातार कल से बातें हो रही थी कि कल प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी, लेकिन जो 4 नाम पहले से एक तरीके से तय माने जा रहे थे, जिससे कोई विवाद नहीं था, कोई संशय नहीं था, उन 4 नामों की घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। अब देखना होगा कि कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का चुनाव लड़ाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रूप पहले ही अपनाते हुए अपने 2 पुराने नेताओं का नाम की घोषणा कर दी है, जो अभी थोड़ी देर में अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, यानी राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद है वो भी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 नामों की घोषणा की है, जिसमें 3 पुराने लोग हैं जिनका पहले से वो एनएलसी थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, और एक नया नाम जिसको लेकर के लगातार बातें हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा व्यक्ति हैं, जब सीएमओ में थे यानी गुजरात सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब उनके सचिव हुआ करते थे, जब केंद्र में गए तो पीएमओ उनको ले जाने का काम किया, अब उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी उनको देने जा रहे हैं। और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एके शर्मा ने बहुत साफ और क्रिस्टल क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि साहब का हाथ मजबूत करने के लिए हम आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के तरीके से प्रतिनिधित्व है, और देखना होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार इनको देने जा रही है, पार्टी नेतृत्व कितनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, लेकिन उसकी शुरुआत आज की। पवन, जाहिर तौर पर ये 4 वो नाम है जिनको लेकर पार्टी में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, और हर कोई राजी है नामों के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 जो बड़े नेता जो पहले से ही है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और जो 4था नाम है यानी एके शर्मा, आप समझ सकती हैं कि शीर्ष नेतृत्व से नाम उनका दिया गया है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए थे, उसी समय उनकी नाम पे चर्चा हुई, और उन्होंने शायद इनके नाम को लेकर के कहा कि मैं एके शर्मा को भेज रहा हूँ, लिहाजा उनकी उनका वीआरएस हुआ, उसके बाद उनकी पार्टी अपने ज्वाइनिंग हुई कल, और आज उनके नाम के मुहर लग गई एमएलसी प्रत्याशी के रूप में। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पे कोई ना कोई जो कमिटमेंट बड़े नेताओं के बीच में हुआ है, जिस तरीके का बयान कल एके शर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दे रहे थे कि वो लगातार राष्ट्र के हित में काम करते रहे हैं, और आने वाले समय में वो राष्ट्र हित को लेकर के उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, और साहब नरेंद्र मोदी को जो अधिकारी उनके करीबी होते हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो साहब करके बुलाते हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। लिहाजा उन्होंने इस शब्द का भी प्रयोग किया कि साहब का हाथ पहले भी मजबूत करते रहे और आगे भी मजबूत करते रहेंगे। मतलब 4 नामों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे जो बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के
द्रुप के इक्के के रूप में AK शर्मा को उत्तर प्रदेश में लाया गया है, तो देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी उनको मिलती है, किस तरीके से वो काम करते हैं। कई सारे अटकलों का दौर चल रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, कोई बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अगर सूत्रों की बात करें तो बता रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट का बनाया जाएगा, उसको उनको बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जिस विभाग के वो सचिव रहे, लगातार गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात जिसको एक तरीके से अलग पहचान दी, AK शर्मा को उस विभाग से उनको जोड़ा जाता है, या क्या उनको जिम्मेदारी दी जाती है ताकि जो एक साल का समय बचा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज उत्तर प्रदेश में जा सके। लिहाजा अब खास तौर से AK शर्मा पे सबकी नजरें होंगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में, जो बताया जा रहा है कि 21 से लेकर के 25 के बीच में कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है उत्तर प्रदेश का, लिहाजा उस विस्तार में किस तरह से उनको जगह मिलती है ये देखने वाली बात। पवन, बिल्कुल, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और अब बीजेपी ने भी कर दिया है, तो ऐसे में आप फिलहाल इस मुकाबले को कैसे देखें, क्योंकि नॉमिनेशन का वक्त भी नजदीक आ रहा है? देखिए, बहुत ही दिलचस्प MLC चुनाव इस बार होने जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा BSP सुप्रीमो मायावती ने डंके की चोट पे कहा था कि समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में MLC चुनाव में वो सबक सिखाएंगी। जिस तरीके से राज्यसभा में नाटकीय ढंग से समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पे एक प्रत्याशी को खड़ा करने का काम किया, हालांकि उसका पर्चा निरस्त हो गया, जिसके बाद BSP का प्रत्याशी सीधे तौर पे राज्यसभा के जाने के लिए उसको चुन लिया गया। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजरें होंगी कि वो 10 प्रत्याशी मैदान में उतारने का काम करती है या 11 प्रत्याशी। अगर 11 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारती है और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी, तो निश्चित तौर पे वोटिंग के जरिए तय होगा कि कौन MLC का रास्ता चुनेगा है, कौन। बिल्कुल पवन, आप बने रहेगा हमारे साथ। और चलिए, राहुल मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अहम ऐलान किया जा सकता है, लिस्ट भी सामने आ गई है 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। देखिए, 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। विधान परिषद जो चुनाव हो रहे हैं उनमें 4 प्रत्याशियों के नाम, और जिसमें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, और जो पूर्व IAS अरविंद शर्मा को किया गया, और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। तो 4 नामों की भाजपा की तरफ से यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आखिर में किस तरीके से किसके पास कितना संख्या बल है और किस तरीके से वहाँ पर किसके फेवर में ये पूरा का पूरा जाता है। लेकिन BJP की तरफ से कहा जाए तो 4 नामों की घोषणा कर दी गई है, और जिसमें कि डॉक्टर दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह को भी उसमें शामिल किया गया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल मिश्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और पवन